जो सास पहले अपने बहू और अपने रिश्ते में हर दर्द को एक दूसरे को बांटा करती थी, आज वही सास अपने बहू के हर कदम कदम पर दर्द की बात तो छोड़िए, अब उसे कटे हुए घाव से बड़ा जख्म देकर अब उसे खून का आंसू रुला रही है। इसलिए आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि जब साधना केतकी को अपने संग पूजा नहीं करने देती है, तभी वरदान और केतकी वहाँ पर एक दूसरे में फैसला कर लेते हैं कि ये पूजा तो केतकी करेगी ही, और वो भी तुम लोगों के साथ नहीं। हालांकि साधना के वजह से अब वरदान केतकी को लेकर अलग पूजा करने लगते हैं, लेकिन जब पूजा का पूरे विधि व्यवहार खत्म हो जाता है, तब साधना वहाँ से खाना लेकर अपने पति के पास पहुँचती है। हालांकि वो पिता उस खाना को देखकर काफी खुश भी हो जाता है और सोचता है कि शायद साधना ये खाना हमारे लिए लेकर आई है। और वहीं अब साधना उस खाना को वहाँ पर नीचे रखती है और कहती है कि हमने तो तुम्हारे लंबी जिंदगी के लिए व्रत रखा था और अब मुझे काफी जोर का भूख लग चुकी है। और वहीं अब साधना वहाँ पर उनसे कहती है कि तुम्हें ये खाना खाना है। हालांकि वो पति अपने बीबी के आगे काफी मुंह छटपटाता रह जाता है, लेकिन उस पति का और उसके मुंह के पास वो उस अन्न का निवाला तो ले जाती है और फिर उस अन्न के दाना को वापस ले आकर उस खाना को अपने ही खाने लगती है। लेकिन वो पति अभी के वक्त पर अपने ही पत्नी के सामने घुटने टेक रहा है। लेकिन आगे के अपडेट के लिए आप हमारा साथ निभाते रहिए।